सतो प्रधान थे, लेकिन आज क्या पोजीशन हो गई, प्रकृति तमो प्रधान हो गई। प्रकृति तमो प्रधान होने के कारण सभी देख रहे कितनी बीमारियां क्या क्या हो रहा है, तो फिर से प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। तो कैसे बनेगी सतो प्रधान? आज हम सब जो रस्म रिवाज करते हैं ना, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक छोटी सी कहानी है कि जैसे हमारी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होती है, तो वो दोस्ती के कारण हम कुछ भी एक दूसरे का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कोई हमारा साधन कुछ ले जाता है, गाड़ी ले गया, एक बार ले गया, दो बार, तीन बार, और ऐसे ही खड़ी कर दी, तो क्या होगा, पांच बार के बाद जब हम देंगे तो कैसे देंगे, उसी कंडीशन में देंगे, टूटी। तो परमात्मा ने ये जो शरीर हमें दिया था, प्रकृति का सतो प्रधान शरीर दिया था, कंचन काया कहा जाता, कंचन शरीर था, लेकिन जन्म मरण में आते आते अभी क्या हाल हो गए, बच्चा जन्मते ही बीमार होता है, क्योंकि हम जब भगवान को दे रहे हैं तो कैसा दे रहे हैं, डैमेज शरीर दे रहे हैं। दो कंडीशन होती है, किसी का साधन लिया टूट गया, या तो उसको रिपेयर करके देते हैं या फिर दे देते हैं कि चलो आप करा लेना रिपेयर। हमने क्या दिया, ना रिपेयर कराया और ना ही उसका कुछ भुगतान दिया, तो क्या होगा, और फिर करते क्या है, घर वालों के ऊपर छोड़कर चले जाते हैं, फिर घर वाले क्या करते हैं। प्रकृति को सत्व प्रधान बनाने के लिए जैसे ही आत्मा निकली शरीर से तो क्या करते हैं, पहले तो तुलसी दल डालते हैं। तुलसी दल क्यों डालते हैं, आकाश तत्व को सत्व प्रधान करते हैं, गंगा जल डालते हैं जल तत्व को सत्व प्रधान करने के लिए। ये सारे जो भी रस्म रिवाज करते हैं, फिर क्या करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं वायु तत्व को सत्व प्रधान करने के लिए, फिर लकड़ी लगाते हैं चिता बनाते हैं। तो ये सारे तत्वों को फिर सत्व प्रधान करने के लिए कि तत्व ये प्रकृति का शरीर है, ये सत्व प्रधान बन जाए, और फिर क्या करते हैं, सोने का थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डाल देते हैं और भगवान से प्रेयर करते हैं, हे भगवान आपने तो कंचन काया दी थी लेकिन आज क्या हालत हो गई, तो हम इसको प्रकृति को पांचों तत्वों को सत्व प्रधान करके आपको दे रहे हैं, तो उसको इसलिए अगला जन्म जो देना, कैसे देना, कंचन काया देना, सत्व प्रधान, कंचन किसको कहते हैं, सोना को एक नाम देते हैं कंचन, इसलिए सोने का रत्ती सा थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालते हैं कि सत्व प्रधान बन जाए शरीर, हमें कंचन मिले। मिलेगा, मिलेगा। आज बच्चा पेट में आया, बीमारी शुरू, इलाज शुरू, तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो जीते जी हम पांच तत्वों को सत्व प्रधान बना कर जाए। अभी हमें जीते जी सत्व प्रधान बनाना है इस शरीर को, तो क्या करना है, पांचों तत्वों को सकाश देना। आज हम सब ही इसके दोषी हैं, प्रकृति को तमो प्रधान बनाने के लिए। आज इसीलिए तो प्रकृति का प्रभाव देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है, कहीं कितनी, हाँ हाँ, लालच वश क्या किया है, प्रकृति का दोहन किया है, पेड़ पौधों की कटाई की है ना, जहां इतने बगीचे जंगल सब कुछ था उसको काट काट कर क्या कर दिया, कारखाने लगा दिए। अब बच्चों को पेड़ लगाकर नहीं देते, कारखाना बनाकर देते हैं, बच्चा आगे करके उसके लिए जीविका के लिए क्या करते हैं, कारखाने लगा। लेकिन जब ये शरीर ही नहीं होगा, ऑक्सीजन पर चलेगा, जैसे बच्चों को भोजन दे जाता है ना बच्चे स्कूल, तो उसको टिफिन देते हैं, पानी की बॉटल देते हैं, लेकिन जो आज कंडीशन चल रही है, ऑक्सीजन की जितनी कमी होती जा रही, पेड़ पौधे कटते जा रहे, तो कल क्या होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी देना पड़ेगा, और बना भी देंगे, ऐसे ही बनाते जा रहे हैं छोटे छोटे, जैसे पहले वो सिलेंडर आते थे ना बड़े, फिर 5 लीटर का 5 किलो का बना दिया, चल दिया, ऐसे बच्चों के लिए भी बन जाएगा। तो हम बजाय कारखाना लगाने के लिए अगर पेड़ पौधे की व्यवस्था करें, कोई ऐसे करता कि बगीचा लगा दे, पेड़ पौधे लगा दे, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अभी जो 2 साल ये आया कोरोना, तो किस लिए आया, ऑक्सीजन की कमी थी, अपने अपनों को पहचानना भूल गए, फोन नहीं उठाने लगे,
एक बहन मुझे बता रही थी कि यही रिश्तेदारों ने उठाया है मेरे पिताजी ने सिलेंडर नहीं मिला। तो हम सब अगर इस बात का ध्यान दें, करते तो हैं, पौधे लगाते भी हैं लेकिन लगा के उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ो उसकी परवरिश कर रही। पहले होता था कोई पेड़ लगाता था तो ये अपना स्वार्थ नहीं होता था कि हमें ही फल मिले, नाती पोता के लिए करते। आज नाती पोता के लिए क्या करते हैं, कारखाना लगाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पेड़ लगाना है। पेड़ की उपयोगिता होती है, पेड़ देखो दाता कहते हैं उसको, परोपकारी है, नम्रता होती है, जितना पेड़ फल से लदा होगा उतना झुका हुआ होगा, परोपकारी, कितने उसकी छाया के नीचे खड़े होते हैं। लेकिन हम सब रह नहीं करते, भले सरकार इस पर लगा रही है कि हरा पौधा काटेंगे तो आपको आज सब दूर होगा, लेकिन हम सब नहीं। अगर सभी जागरूक हो जाए, ये जो पौधे आपने लाए हैं ये कोई हमें रखना नहीं, आप अपने अपने घर में लगाएंगे, लेकिन अगर सभी ही जागरूक हो जाए इनके प्रति और आगे अपना एक एक को अगर जागरूक करते जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक गुजरात में धंतोरी की खुशहाली एक हमने पेपर पढ़ा था, उसमें क्या था कि वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने सबको वो पौधे काट दिया, फिर उनके ऊपर एक केस भी लगा था, लेकिन उन्होंने एक भी पेड़ जब तक कटाई उन्होंने बंद नहीं की जब तक कि सारा जंगल साफ नहीं हो गया। फिर क्या कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, गाँव के कुएं सब सूख गए, लेकिन उसमें एक भाई था वो सजग हो गया और उसने क्या किया कि पौधे लगाना शुरू किया। एक अकेला इंसान ऐसे भी नहीं सोचा कि हम अकेला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम नारा कहते हैं ना हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो अगर उसके अंदर ये जागरूकता आई कि ये तो बहुत कुछ आगे क्या होगा, बहुत चिंता का विषय हुआ, तो उसने क्या किया पेड़ लगाना शुरू किया, सबको जागरूक किया, खूब पेड़ लगाए, अपने खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगाए। तो पता है क्या हुआ, वहां उस गांव में 60-70 कुएं थे, बहुत बड़े एरिया में था गुजरात के, उसमें तो 60-70 पेड़ कुएं थे, उसमें सब में पानी आ गया और बहुत अच्छी फसल भी होने लग गई, तो आसपास के गांव वाले भी जागरूक हो गए। ऐसे अगर हम जागरूक हो जाएं अपने छतों पर, अपने कहीं भी लगाएं, हम देखते हैं जिनके घरों में खूब पेड़ पौधे लगे होते तो लगता है ये थोड़ा सा जागरूक है, तो हम कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम साग सब्जी भी अपने छतों पर बो सकते हैं, कर सकते, थोड़ी मेहनत चाहिए। आज क्या हो गया, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, कई ओर से पूछा कोई 8 बजे सोकर उठता है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, सूर्य कितने समय निकलते हैं, पहला तो यही खिलवाड़ है जो हम देर से उठते हैं, सूर्य उदय होने के पहले हमें जगना चाहिए, तब तो हमारा ये तन स्वस्थ रहेगा, नहीं आज 30 साल में वो 7 साल जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जागरूकता की जरूरत है, हमें जागरूक होना चाहिए, अमृत वेला नहीं उठते, 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो गायन अगर उस समय जो उठता है तो उसको शरीर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। तो हम सबको हर बात में जागरूक होना, आज डॉक्टर के पास चले जाएंगे एक्सरसाइज कर लेंगे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक उठकर, कभी कभी हम देखते हैं पार्क में लोग 11 बजे भी टाइम पर, लेकिन हमें करना क्या चाहिए, 5 बजे के पहले पहले 5 बजे तक भी जग जाए तो बहुत अच्छा है। तो हमें प्रकृति ऐसा सूर्य चांद ये सब अपने एक ही रेट है ना, और हम सब उसके प्रतिकूल हो गए, शरीर स्वस्थ होगा नहीं होगा ना, फिर हम कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, इसका भी कुछ नियम है, एक्सरसाइज जो हम करते हैं 5 बजे के पहले जो होती है सब हवा वो बहुत शुद्ध होती है, लेकिन हम सब ने अपने लाइफ स्टाइल ही चेंज कर ली, जितना देर से उठना उतना अच्छा है, रात देर तक सोना वो अच्छा है, जल्दी सोना जल्दी जगना ये प्रकृति का नियम है। तो हम अगर प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमारा ये शरीर भी, अभी हम सबको यही करना, क्योंकि हमें पर्यावरण सिर्फ बाहरी नहीं मन का पर्यावरण बनाना, जब तक मन हमारा नहीं शुद्ध होगा
मन के अंदर वो जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम बाहरी पर्यावरण का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें मन से, इसलिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ये राजयोग की ये शिक्षा दी जाती है, इससे हमारे अंदर मन में वो जागरूकता आती है और हमें परमात्मा पिता के साथ हमारा कनेक्शन जुटता है। इसलिए प्रकृति देने वाली है, इसलिए उसको देवता कहा जाता है। ये सभी कहते हैं, बहुत ऐसे कहते हैं, नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमेश्वर है। तो प्रकृति देती है, लेकिन हम लेते कहाँ, फ्री में मिलता है। हवा, पानी, ये सारा सब फ्री में तो मिलता है, 500 तक फ्री में मिलते हैं, लेकिन हम उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें उसका सदुपयोग करना है। ये करना हमें अगर आ जाए, रात में टाइम से सोना 10 तो बस, और सुबह जल्दी उठना, 5 बजे के बाद नहीं। जो 5 बजे 6 बजे सूर्योदय के बाद जो जगते हैं उनको रोगी कहा गया, जो अमृत वेला उठते हैं उनको कहा जाता है योगी, और जो सूर्यास्त के बाद रोगी, और 10-11 बजे वाले जो हैं सूर्योदय के बाद जो उठते हैं वो रोगी, और उसके बाद भी वो महारोगी। अभी सोचिए हम किस गिनती में आते हैं। अब नेचर के साथ अगर प्यार है, चाहिए ना प्यार, हम सब सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं किसके किसके साथ प्यार होना चाहिए। माता पिता के साथ होना चाहिए, मित्र संबंधियों के साथ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, फिर प्रकृति के साथ भी तो होना चाहिए। तो प्रकृति के साथ प्यार माना, प्रकृति के साथ, उसके साथ चलना है, उसके प्रतिकूल नहीं, अनुकूल चलना है। इसलिए सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, भले किसी की नाइट ड्यूटी भी होती है तो भी एक बार तो उठकर फिर भले बाद में सो जाना। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हमारे सामने शायद सभी जानते हैं, विजया बहन हमारे सामने आ चुकी हैं, तो अभी वो भी थोड़ा सा अनुभव अपना सुनाएंगे। फिर ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट, ये अभी हम चला रहे हैं, ये एक अलग तरीके का है। दुनिया में लोग वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन ये हमारा जो कल्पतरु फेस्टिवल ये हम मना रहे हैं, उसके क्या है, इसके पीछे प्रयोजन वो अभी हम बताएंगे। इसके पहले थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे विजया बहन, जो कि महिला मोर्चा। उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। जैसे पौधों के बारे में दीदी ने बताया या पर्यावरण के बारे में बताया, ये मेरा अपना अनुभव है कि हमारे घर में भी अगर कभी आए, इस समय तो बहुत गर्मी की वजह से सब्जियां नहीं आ पा रही हैं, नहीं तो बहुत अच्छा लौकी, तरोई, यहाँ तक कि भिंडी, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ एक बहादुर हैं जो बहुत ही मेहनत से उसको, मतलब एकदम लगन है उसको इस चीज़ का कि कोई ना कोई चीज़ वो नया नया लगाता रहता है। तो सुबह सुबह जब आप फल वाले वृक्ष देखें या फूल वाले वृक्ष देखें तो मन को बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़े से प्रयास से वो पूरा अपना सब एकदम ऊपर हरा भरा उसने मेरी छत को कर रखा है। तो इस तरह का जो पौधों से लगाव एक बार हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक एक पत्तियां जब निकलती हैं या कोई भी नया फूल निकलता है तो अगर हम कभी नहीं ऊपर जा पाते हैं तो नीचे ले आके दिखाएगा कि दीदी इसमें एक नया फूल निकला या एक नया फल आया है, चल के देखिए अगर नहीं ला पाता है तो बहुत अच्छा लगता है एक छोटे से प्रयास से। और हम लोग के घर में, सभी के घरों में सब्जियों के छिलके निकलते हैं जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि वो वेस्ट है, उसको हम लोग अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा करके सभी गमलों में फैला दें। या जैसे केले का छिलका होता है वो भी बहुत उपयोगी होता है हमारे पेड़ पौधों के लिए। प्याज का छिलका होता है जैसे जिन घरों में खाया जाता है तो वो लोग डाल सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अपने घर में मिलती हैं जिसको कि हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उसको भी हम अपने पौधों में इस्तेमाल करके देखें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है उसका, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। या जैसे कि एक और छोटी सी चीज़ होती है, यहाँ तो नहीं मिलता, गांव में मिलता है, जैसे सरसों का तेल हम लोग पिलाते हैं तो उसमें से खली निकलती है। तो ज़्यादातर तो लोग यही सोचते होंगे कि गाय भैंस खाती हैं खली, लेकिन पौधों के लिए भी बहुत ही उपयोगी एक पौष्टिक है जो कि ऑर्गेनिक खेती जो लोग करते हैं वो लोग डालते हैं इसको। तो आजकल तो ज़्यादातर रासायनिक खेती हो रही है,
जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि जो पहले की लौकी की सब्जी हम लोग खाते थे तो एक अलग सा स्वाद आता था उसमें, अब कितनी भी ऊपर से हरी भरी हो पहले तो गलती ही नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हाँ सब्जी जल्दी से पक जाए। तो वो सब कुछ रासायनिक खेती की वजह से ही होता है कि छोटी सी छोटी चीज़ों की वजह से वो एकदम स्वाद भी हमारी सब्जियों का बदल गया है। तो ये सब हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जैसे दीदी ने बताया कि मॉर्निंग में जो उठने का समय है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, हमारे घर में हम भी बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड तो करते हैं, वो 4 बजे उठ जाते हैं, हमारा थोड़ा सा लेट उठना होता है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उसको जल्दी से थोड़ा 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 करके उसको लेके आए अपने समय पे। तो ये बहुत ज़रूरी है और जो कि दैनिक जीवन में ज़रूरी है। और पौधों के लिए जैसे कि एक कहा जाता है कि कभी भी आप भी अपने घर में अनुभव करिएगा, जब जहाँ 4-5 पौधे रखे हों और किसी एक पौधे को कहीं अलग रख दीजिए आप, तो उस पौधे की ग्रोथ या उसकी पत्तियाँ ऐसे लगेगा कि जैसे उनको कुछ ऐसा ख़राब लग रहा है कि हमको अलग कर दिया, तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ ऐसा होता है, ये हमने अपना खुद का अनुभव है मेरा। तो हर आदमी चाहता है कि हाँ वो अपने ग्रुप में रहे, अपने अपने दोस्तों के साथ रहे, तो उनकी भी एक अपनी बगिया रहती है, उसमें वो जल्दी खिल जाते हैं। अगर कहीं अलग से एकदम से रखें तो वो थोड़ा सा उनके में मतलब ग्रोथ में उनके कमी आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है, हम लोग किचन में काम करते हैं तो जो उसकी जो भी हमारा वेस्ट निकलता है उसको हम ना फेंकें, और कोई एक गमला ऐसा रखें जिसमें कि उसको हम इकट्ठा कर सकें, और जब उसको हम मिट्टी से मिला देंगे तो वो एक बहुत अच्छा खाद हो जाएगा। और उस खाद को हम अपने जितने भी पौधे हमारे घर में, सभी के घरों में छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें हम एक एक दो दो चम्मच करके डाल दें तो सारे पौधों में वो खाद हमारा पहुँच जाएगा और बहुत अच्छा पौधों की ग्रोथ होती है। मुझे यही कहना था। आपके अंदर भी तो उतनी शक्ति चाहिए कि हमें पौधे में उतनी शक्ति भर सके। तो पहले तो हमें स्रोत पता हो कि हम किससे शक्ति ले, अपने अंदर भरें, फिर उस पौधों को दें। उसके लिए परम पिता ने हमको हमें हमारा परिचय दिया। सबसे पहले बताया है कि देखो तुम एक आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो, और अपने मस्तक के बीच में जहाँ आप बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहाँ मैं आत्मा विराजमान रहती हूँ, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चला रही है। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सभी पौधों को देखते भी रहे, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इतने गुण हमारी आत्मा में भरे हुए हैं। लेकिन हम जब नहीं जानते हैं तो वो गुण हमारे जीवन में यूज नहीं हो रहे, क्योंकि जब परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा ना तो गुणों से भरपूर होकर भेजा, लेकिन धीरे 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 हम अपने गुणों को भूलते चले गए। अब वो परम पिता आकाश स्वयं हमको फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि तुम देखो कितनी अच्छी आत्मा हो, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। और कहते हैं कि जैसे एक मनुष्य का पिता होता है मनुष्य की तरह, एक जानवर का पिता जानवर की तरह होता है, ऐसे जो हमारी आत्मा है वो स्टार है, सभी ने स्टार देखा है, और स्टार की तरह तारा मिसर। तो जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य की तरह होता है, उसी तरह आत्मा का पिता कैसा होगा, कैसा होगा आत्मा का पिता, आत्मा की तरह, आत्मा भी स्टार और हमारा पिता भी स्टार। क्योंकि लाइट लाइट से जब कनेक्ट होती है तो उसकी पावर हमारे अंदर आती है। शरीर के माँ बाप हैं, हम अपने परम पिता को पुकारते हैं, कौन पुकार रहे, आत्मा पुकार रही है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही। जब भी तो कोई शरीर छोड़ता है तो कहते ऊपर चले गए, शरीर तो नीचे पड़ा तो ऊपर कौन चला गया, ऊपर कौन चला गया, ऊपर आत्मा चली गई। तो इसका मतलब हम सभी आत्माओं का पिता वो है लाइट ज्योति। अब कैसे माने वो लाइट है या ज्योति है, कहते परमात्मा उसको कहते जिसको सारे धर्म वाले स्वीकार करें। देखिए अपने चित्र भी बने हुए हैं, राम ने किसकी पूजा करी, शिव की, है ना। अपने जो हिंदुओं के 12 तीर्थ हैं, हम लोग जब तीर्थ करने जाते हैं तो कहते ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करके आए।
हम सभी यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि दीदी ने सब कुछ बता दिया, बस हमें उनको सुन के समझना है और पालन करना है। तो प्रकृति से हम जुड़े रहें, कल्पतरु जो जिसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं, उसके जो फायदे हैं सभी कोई जानते हैं, उन सब का हम लाभ उठाकर अपने आप को निरोगी रखें। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो हम चाहेंगे कि कोई भी निरोगी ना रहे, सभी स्वस्थ रहें, कम से कम हमारी सेवाएं लेनी पड़े। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ खाना, स्वस्थ हवा, शुद्ध हवा, और शुद्ध हवा के बहुत सारे फायदे हैं। बेसिकली हम बीमार तभी होते हैं जब कहीं ना कहीं अंदर इन्फेक्शन जाता है और वो डेवलप होने लगता है। तो जो शुद्ध हवा है, जो ऑक्सीजन की जब ज़्यादा मात्रा होती है बॉडी में, तो जो भी इन्फेक्शन आते हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो जो पेड़ पौधों को हम अपने आसपास लगाएंगे, तो हमारे आसपास का वातावरण, हमारे घर के अंदर का वातावरण शुद्ध रहेगा। तो इसी भावना से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सभी जानते हैं, बस उसको कार्य में लाना है, कार्य में लाना है। और जैसा कि मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं आपके सामने यहाँ पर आज मुझे आने का मौका मिला। कभी भी किसी को ज़रूरत हो, वैसे तो मैं साकेत नगर में रहती हूँ, अभी मेरा स्थायी निवास वहाँ नहीं है, ड्यूटी करती हूँ, अप डाउन करती हूँ, लेकिन कभी भी किसी को चिकित्सीय सेवाएं या परामर्श मुझसे लेना हो, तो सुनीता बहन के पास में मेरा नंबर है। आप सभी बिल्कुल, मैं मतलब आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। और बस यूँ ही आप सबसे जुड़ी रहूँ। बाबा की मैं मधुबन भी जा चुकी हूँ, तो बाबा से जुड़ना, बाबा के कार्यों में सहयोग करना, इनकी अनुभूतियाँ ही अपने आप में अलग हैं, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। ओम शांति। यहाँ पर इतने अच्छे कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अभी देहरादून गई थी, तो देख रही थी वहाँ 6 लेन बनने के लिए बहुत बड़े बड़े जंगल कट रहे हैं। गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने में जितना जंगल काट देती है, उतने वृक्ष लग नहीं पाते हैं। जो हम लोग ये गमलों में छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, इनसे अर्थ का कुछ होता भी नहीं, बीज अब्जर्व नहीं होती है। पंचवटी प्लांट जैसे आंवला, बरगद, पीपल, नीम, इनसे ही मतलब आप अर्थ क्योंकि रोक सकते हैं, और इनसे ही मतलब बारिश मानसून का कुछ फर्क पड़ता है। जैसे छोटे छोटे 100 पीस वाले प्लांट आप लगा सकते हैं घरों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मुहिम चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि पंचवटी प्लांट पे ही फोकस करें, ऐसी जगह ढूंढें कि जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उन्हीं से मानसून पर फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा मतलब अनुभव। मैंने भी पिछली बार एनर्जी क्लब से पंचवटी एक पूरा लगाया था भौती में, तो इस तरह की कोशिश जैसे ये आप लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, पर ये पूरी तरह से अगर सक्सेस हो जाएगी तो एनवायरनमेंट में फ़र्क ज़रूर आएगा। मजबूरी मैं अभी 1 महीने पहाड़ों पे ही रह के आई हूँ, बहुत बुरी तरह से नेचर को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जहाँ देखो उसकी लेन, और मनुष्य को उससे कम्फर्ट जोन में तो आ ही जाता है, आप जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन जो दूसरा नुकसान होता है वो हमें तुरंत नहीं दिखाई पड़ता, वो हम देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, और पॉलीथीन का भी बहुत ज़्यादा कितने दिनों से गवर्नमेंट कर रही है। तो हम लोग छोटे छोटे NGOs हम लोग मिलकर ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ही परेशानी है। गवर्नमेंट तो हमको टास्क देती है, लेकिन वो पूरे कभी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो आप लोग ये प्रवास कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी द्वारा, और ब्रह्मा कुमारी मैं आई पहली बार हूँ, तो यहाँ आके ही बहुत शांति लग रही है। जो आप लोगों का होता है मेडिटेशन, या आप लोगों का नाम सुनते ही थोड़ा सा शांति का वो हो जाता है, तो आप लोगों का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग अग्रेसिव नेचर है या कोई परेशान है, तो उसमें काफ़ी मैं सोच रही हूँ 50% तक आप लोग सहयोग देते हैं उसमें, और काफ़ी लोग इसमें जुड़ भी रहे हैं।
तो इसी तरह के ये कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो समाज में काफी सुधार होगा। नमस्ते।